भाई सुबह के 9 बज रहे हैं और हम उठ चुके हैं। कल ये हुआ था कि हम लोग ताड़केश्वर महादेव मंदिर नहीं पहुंच पाए थे, मालिक था और सो रहा था क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी और मंदिर के अंदर भाई लाइटें नहीं थी और शायद मंदिर इस समय बंद भी हो जाता है। तो हम सबकी हालत आप देख सकते हो, ये देखो इधर हाय गाइस चल रहा है, हेलो गाइस। और भाई एक बार आप नजारा चेक करो बाहर का, भाई साहब मैं तो दीवाना हो जाऊंगा इस जगह का। मैं जाऊंगा ही दिल्ली, दिल्ली कैंसिल भाई, मैं मेरा मन ही नहीं है दिल्ली जाने का। क्या क्या मस्त हवा आ रही है भाई यहाँ से। क्या अभी समय 9 बज रहे हैं, मैं तुम्हें सुबह का मॉर्निंग का व्यू नहीं दिखा पाया क्योंकि हम लोग की आंखें नहीं खुली, हम लोग लेट सोए थे और लेट जा गए। नीचे देख रहे हो खाई है, खाई और ये है रूम जिसमें हम रुके थे। मजा आ गया भाई, सब मजा आ गया। तो भाई अभी चल रहा हूँ, फ्रेश होऊंगा, उसके बाद चल रहे हैं कुछ खाए महंगे, उसके बाद निकलेंगे ताड़केश्वर महादेव मंदिर के लिए। थोड़ी सी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, रह गया है अब यहाँ से। और उसके बाद कपड़े वपड़े तो यार लाए नहीं है, हम नहाएंगे कैसे, यही सिस्टम सोच रहे हैं, सिस्टम बनाएंगे, किसी की धोती वोती चुराएंगे उसके बाद पहन के निकल लेंगे। तो तुम लाए हो ये देखिए दाढ़ी। भाई रूम से चेकआउट ले लिया है, सारे सामान कंप्लीट है हमारे। ये नीचे का देखो कैसे गोदाम बना रखा है। और यही वो जगह थी रात में जहाँ हम अकेले घूम रहे थे, ये रहे। जा रहे हैं हम उनके पास, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेंगे। ये भी है यहाँ पर दुकानों का, इधर का भी जस्ट यही रूम था जहाँ से हमने जहाँ हम सो रहे थे, जस्ट इसके पीछे वाला ही खिड़की दिख रही है आपको, खिड़की के पीछे वाला ही था। हेलो गाइस, फाइनली हमने भैया को ढूंढ लिया है। भैया गाने वाने बजा के सो रहे थे, बढ़िया लग रहा है। ये व्यू चेंज कैसे हो गया? अच्छा ये उठ गया यहाँ से। सही है भाई साहब, सही है, मस्त एकदम। बाइक हमारी यहाँ खड़ी हुई है, क्या लगा कुछ मैगी है? दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं, एक दिन रुकने के बाद मैं भी इनकी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये मेरी ब्लॉग शूट कर रहे हैं, मैं इनकी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और हमारी बाइकें देखो लग चुकी हैं, ब्लॉग शूट कर रहे हैं, दोनों ही ब्लॉग शूट कर रहे हैं पार्किंग के अंदर। और इस टाइम भाई यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं है, अगर किसी को आना हो तो आराम से यहाँ पर आके घूम सकता है। इस समय यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है, आराम से दर्शन मिलेंगे। रहती है सीजन में रहती है। और अभी हम नहाएंगे, फिलहाल कपड़े वपड़े तो लाए नहीं है, पता नहीं कैसे नहाएंगे वो देखते हैं जुगाड़ से। हेलमेट ले लिया दूसरा वाला, उसके हाँ उसके बाद फिर हम चलते हैं दर्शन करने। आगे का समय आपको दिखाते हैं। सामान सजाने के लिए आप ले सकते हो, डमरू तो है भाई हमारे पास, डमरू है हमारे पे पड़ा हुआ है, प्रसाद में ही मिला था। तो ये एक थैला मिला है हमें, दो भगवान के पास चढ़ाना है, एक माता जी और एक भोले जी। इसमें चुन्नी नारियल और धूप है, ठीक है, 101 रुपए का प्रसाद है। बाकी और अगर आपको जो भी लेना है यहाँ से आप देख सकते हो, काफी चीजें हैं यहाँ पे। और ये मूर्ति भी है, ये भगवान की मंदिर की मूर्ति थोड़ी कहेंगे, इसे फोटो कहेंगे, फोटो है। ये सही है, किसी को अपनी कार में लगाना हो तो ये ले सकता है, हाथ वाथ में पहनने वाला। सिस्टम पाड़ देंगे और गाड़ियों आ रही है भाई दर्शन के लिए। ये देखो हमें लगा था कि कोई नहीं आ रहा, पर आ रहे हैं। कुछ ऐसी सीढ़ी है भाई यहाँ की, देखो ये है काशी ताड़कालिंग पताले हाड़केश्वरम मृत्यु लोके महाकाल नम सर्वलिंग। ये क्या बात होती है, ये इसका एंट्री गेट है। महिला स्नान गृह है तो भाई नहाया नहीं है। अच्छा वो है महिला नहा, महिला स्नान गृह वो है। क्या है ये, सिक्के उक्के फेंकते हैं यहाँ पे? ओए ओए इधर आ इधर आ इधर आ, अरे तो यहाँ पे तो आ, यहाँ तो देख क्या है वहाँ पे, मछली है क्या, कैसे दिख रही है ना यहाँ पे, फिश होती थी क्या किसी टाइम पे, पता नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे छिपी हुई है, क्योंकि हम जब भी आए यहाँ फिश तो दिखी नहीं। अच्छा भाई नहाने का जुगाड़ दौड़ो कुछ, पर यहाँ पे धर्मशाला भी है, इन भाइयों से पूछें जो आ रहे हैं पीछे। रात भी रात में हाथ आते हो तो
फिर क्या होना एक बार भाई ठंडा है कोई बात नहीं क्या हुआ अब नाली तो उधर कह रहा हूँ देना तो बनता है बना रहे हो क्या वीडियो वीडियो बन रही है भाई लगातार बन रही है वीडियो मंदिर हे महादेव यहाँ पे महादेव नहीं नहीं हो चुकी है कंप्लीट ये है हमारे महादेव महाकाल और वो बैठे हमारे महादेव सामने कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारे हेलो यही वाला वहां पे धूप बत्ती चला दो ना तो उसे वो ताड़ दिया करते थे इसलिए सब उन्हें ताड़केश कहते थे तो उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी यहाँ से कि वरदान मिले उन्हें तो उन्होंने सिद्धपीठ की स्थापना करी तो उन्हीं के नाम पे ही ताड़केश्वर महादेव मतलब ताड़ने वाले भगवान गलत काम करने वाले डांटने वाले डांटने वाले डांटने वाले गलत काम करने वाले ताड़ने वाले लोग अमावस के दिन नहीं जैसे होता है ना कि छुट्टियाँ पड़ती हैं गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं और जो शिवरात्रि हो गया सावन हो गया इस समय लोग आते हैं रश चल रहे हैं नीचे भाई तो भाई अब यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं बाहर की तरफ निकल रहे हैं यहाँ देखो घंटियाँ लगी हैं भाई अब हम रुके हैं खाना खाने के लिए हमने दर्शन कर लिए हैं ताड़केश्वर महादेव मंदिर के अब खाना खाने के बाद अब हम निकलेंगे लैंसडाउन तो हमने ये थाली लिया 50 रुपये की थाली है इसके अंदर देख सकते हो दाल है सब्जी है और रोटी 10 रुपये की पड़ेगी हमें अगर हम रोटी लेंगे तो और हमारी धनो वहाँ खड़ी है देखो हम लोग पहुंच चुके हैं लैंसडाउन 10 रुपए लैंसडाउन पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमें टिकट लगाना टिकट कटाना पड़ता है अगर आप बाइक से आ रहे हो तो भी टिकट लगेगा बाइक का भी और कार से आ रहे हो तो कार का भी टिकट लगेगा तो यहाँ पर क्या है देखने लायक वो भी हम दिखाते हैं अभी ये टिप इन टॉप पॉइंट है आगे चलेंगे मैं आपको व्यू जहाँ से बढ़िया दिखेगा वो वाला व्यू दिखाएंगे लैंसडाउन से तो भाई ये है वो पॉइंट जहाँ से आपको बहुत तगड़ा वाला व्यू मिलेगा दिखाता हूँ मैं आपको
एक नंबर गजब वाला तगड़ा व्यू। रुको रख दूं। लो लो देख लो देख लो। इस व्यू के लिए हम दिल्ली से यहाँ पे आए। ये लेंस डाउन जिसे बोलते हैं, यहाँ छोटे छोटे लोगों के घर बने हुए हैं। ये बादल देखो जा रहे हैं और वो बहुत बड़ा पहाड़। ये नीचे देखो ऐसा है कुछ। और हम यहाँ खड़े हुए हैं। अरे वो वीडियो नहीं आता चश्मे वाला। तो भाई फाइनली ये है था हमारा लास्ट विजिट टूर जो यहाँ पर हम लेंस राउंड पे आए हैं। और लो बैटरी का सिग्नल आ चुका है, फोन में बैटरी खत्म हो चुकी है। आपने देखा लेंस डाउन का क्या सीन है यहाँ पर, क्या कितना मस्त व्यू आता है। अब हम यहाँ पे प्रस्थान यहाँ से करेंगे दिल्ली की तरफ। यहाँ से हम कोटद्वार जाएंगे, वो भाई का जो घर है वहाँ पर खाना वाना खाएंगे, नहाएंगे, रुकेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट दिल्ली के लिए यहाँ से निकलेंगे। तो हमने काफ़ी कुछ जगह एक्सप्लोर कर लिया है। और अगर मेरी वीडियो सारी आपको अच्छी लग रही हो तो भाई सब्सक्राइब करना और भी वीडियो को वॉच करना। मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई है। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको जानना है कि क्या क्या कितने कितने रुपए की कौन कौन सी चीज़ पड़ी थी तो वो भी मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। यहाँ पे दूसरे ब्लॉगर की तरह मैं हर चीज़ डिटेल में नहीं बताता कि मतलब ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का है, क्योंकि कई कई जगह पे अलग अलग रेट मिल सकते हैं। मैं जो बता दूँ क्या पता वो जब आप जाओ तो ना मिले, तो वो बताना ठीक नहीं है। आप बाइक से आओगे तो भी आपको टिकट लगेगी, कार से आओगे तो भी टिकट लगेगी, कार की भी टिकट लगेगी, आपकी भी टिकट लगेगी, दोनों लोगों की लगेगी। नीचे तो ठंड है, ऊपर ठंड नहीं है। ये देखो कालू, देखो 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 क्या करेगा, हाथ खाएगा मेरा। मिट्टी में लोटा पड़ा है वे। तो भाई ये है नितिन भाई का गांव। यहाँ पे हम लोग रात को स्टे करे थे, अब दिल्ली के लिए निकलेंगे। ये रात ज्यादा हो गई थी, निकल रहे थे। ये है देखो कालू, ये बड़ा मस्त है यार। ये देखो देखो ये नीचे वाला जो खाट के नीचे बैठा दिख रहा है आपको, ये देखो देखो। फिर चलेंगे हम अपनी गाड़ी धोने, यहाँ गंगा नदी है पास में, वहाँ अपनी बाइक धोएंगे। बाइक धोने के बाद नाश्ता पानी करेंगे और यहाँ से रवाना हो लेंगे आगे के लिए। देखिए गाइस गाड़ी कहाँ चल रही है, सोत के अंदर, पानी का सोत है ये, उसके अंदर चला रहे हम गाड़ी। हम जा रहे हैं गंगा में अपनी गाड़ी धुलने, उससे पहले हमें यहाँ से पास भाई ये नदी में हम गाड़ी धुलने आए थे और यहाँ गाड़ी फंस गई है। और ये हमारी गाड़ी फंस गई है, देख सकते हैं टायर कितना अंदर घुस चुका है। मेरी वाली तो निकल गई आगे, करती है भाई। हाँ अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, धुलवा ले, न्यूटन मार लो। तो भाई जी अपनी गाड़ी धुल रही है दोस्तों, ये गंगा नदी के अंदर गाड़ी धुल रही है और जो पानी आ रहा है ना बरसात का पानी है, ऐसे साथ साथ में लगा दिए, बहुत गंदी हो गई थी।